हे एवरीवन, वेलकम टू प्रियाज़ मेकअप एंड लाइफस्टाइल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। मेरी सारी वीडियोज़ को भी लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें। आज का लुक ग्लोई ड्यूई समर मेकअप लुक है। इट्स वेरी ईजी, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज एंड प्राइम कर लिया है। मैं यहाँ पे मेबेलिन का गिगी हडिड यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स करने वाली हूँ। ये एक लिक्विड हाइलाइटर है। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके जगह पे वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई प्राइमर यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा ग्लोई फिनिश देता है आपको। मैंने दोनों को ले लिया है। फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लिया है मैंने इसे अच्छी तरह से। इसके बाद मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और मैं अपने फाउंडेशन को इसके हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ डैबिंग मोशन में। मैं अपने नेक पे भी फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं कंसीलर के लिए मेबेलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑफ 10 लाइट लेगर और इसे भी मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ब्रश के हेल्प से अपने अंडर आई को अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ ताकि ये क्रीज ना हो। और मैं फुल फेस को भी इसी से सेट करने वाली हूँ। हमारा फेस ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट से ये शेड पिक कर रही हूँ और अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। इसके बाद मैं ये येलो टोन पिक कर रही हूँ एंड अपने आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ इसे। मैं इसे फिंगर टिप्स के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद मैं मेबेलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई करने के लिए मैं कोई फॉल्सिल्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये एवरीडे टाइप का मेकअप लुक है एंड समर का भी मेकअप लुक है, इसके लिए वो हैवी हो जाएगा कैरी करना। सो इसके लिए डायरेक्ट मस्कारा ही अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा का थिक लेयर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे लैशेस थोड़े बड़े और घने दिखे। इसके बाद मैं सेम कलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने क्रीज पे यूज़ किया था अपने आउटर वी पे, एंड इनर वी को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइटर के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर यूज़ किया है और मैं सेम हाईलाइटर से अपने आईब्रो बोन्स भी हाईलाइट कर रही हूँ। मैं कोई ब्लश नहीं यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहे तो ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट अपना फेस हाईलाइट करूँगी। काफ़ी प्रिटी हाइलाइटर है ये। हमारा हाइलाइटर भी हो गया है। इसके बाद मैं लैक्मे का 925 लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये पिंक शेड है, काफ़ी लाइट वेट है ये लिपस्टिक, आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। शेड नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो यहाँ पे या फिर वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड ये है फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो को, एंड कमेंट करना भी ना भूलें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।